गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम प्रिया चौहान फ्रॉम विवेकानंद पब्लिक स्कूल टोंक। टुडे आई विल टीच यू हिंदी। हिंदी में अपने व्याकरण चल रही थी, व्याकरण में अपने चैप्टर पढ़ लिया था, वर्ग पहली का कुछ एक टॉपिक रह गए थे। तो आज अपन नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, कहानी लेखन। कहानी लेखन स्टोरी राइटिंग। ओके, देखिए अब अपन को छोटे बच्चों को कहानी बहुत ही रुचि से सुनते हैं। छोटे बच्चों को बहुत मजा आता है, इंटरेस्ट आता है इस चीज़ का कि कहानी की बात हो जाए तो बच्चे फटाफट से उछल पड़ते हैं कि हमें कहानी सुननी है, और उन्हें बहुत ही मनोरंजन करते हैं वो इस चीज़ के अंदर और कहानी सुनते हैं। अब कहानी को भी क्या है, बहुत सारे पार्टों में डिवाइड किया गया है। कहानी की भाषा सरल, कहानी की घटना के क्रम के आधार पर होनी चाहिए, कहानी रोचक होनी चाहिए, वाक्य छोटे छोटे व क्रमबद्ध होने चाहिए, कहानी शिक्षाप्रद होनी चाहिए और कहानी का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। नीचे कुछ कहानियाँ दी गई है, उन्हें हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए हम मधुमक्खी और फाख्ता की कहानी पढ़ेंगे आज, और लर्न भी करेंगे साथ के साथ। ओके, देखिए एक मधुमक्खी थी। क्या थी? एक मधुमक्खी थी। एक दिन बहुत गर्मी थी, उसे बहुत प्यास लग रही थी। एक नदी के किनारे का सीन है। नदी के किनारे एक पेड़ है, पेड़ के वहाँ पर ही एक मधुमक्खी जो पेड़ों पर छत्ते बनाए रखती है। तो नदी के अंदर वो, उसे बहुत गर्मी लग रही थी तो और प्यास भी लग रही थी। वह पानी पीने के लिए उड़कर नदी में गई। अचानक वह नदी में गिर गई। जैसे ही वह नदी के पास गई और नदी में पानी पीने लगी और अचानक वह नदी में डूबने लगी। नदी के पास एक पेड़ पर एक फाख्ता बैठी थी। फाख्ता एक कबूतर के जैसा पक्षी होता है जो अक्सर अपने आसपास भी देखा जाता है। उसने मधुमक्खी जो डूब रही थी उसे फाख्ते ने कहा देख लिया, और उसने वह फाख्ता उड़कर उसके मतलब मधुमक्खी के पास तो नहीं जा सकता था, लेकिन उसने उसको बचाने का निश्चय कर लिया। उसने सोचा क्यों ना इस मधुमक्खी की जान बचा लूँ मैं, और वो उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मुझे मधुमक्खी ये अगर डूब पानी में गिर रही है और ये अगर डूब जाएगी तो ये मर जाएगी। तो मधुमक्खी डूब रही थी उसके लिए उस फाख्ता ने एक पत्ता तोड़कर मधुमक्खी के पास गिरा दिया। फाख्ता ने क्या किया, पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और नदी में जहाँ मधुमक्खी डूब रही थी उसी सतह पानी की सतह पर पत्ता तैरने लगा। मधुमक्खी पत्ते के पर चढ़ गई। जैसे अपन भारी चीज अगर पानी में डालेंगे तो डूब जाएगी, लेकिन उसने क्या, पत्ता तो हल्का होता है और पानी में तैरने लगता है, तो उसे वह पत्ते के सहारे उस पत्ते पर चढ़ गई मधुमक्खी, और उसने अपने पंखों को सुखाया और पुनः अपने छत्ते की ओर गई। अब इसी तरह मधुमक्खी की जान बच गई, और किसने बचाई जान, फाख्ता ने। फिर कुछ दिनों बाद एक शिकारी आया। अब क्या होता है, जंगल के अंदर एक शिकारी आता है। शिकारी क्या करने आता है, शिकार करने आता है। वह पशु पक्षियों को मार देता है। और उसने क्या किया, उसने उस फाख्ता जो उस पेड़ पर एक कुछ चिड़िया रहती थी, फाख्ता कबूतर के जैसा पक्षी था, तो उसे मारने के लिए निशाना लगाया। संयोग से उस समय उस मधुमक्खी थी ना, उसने उस शिकारी को देख लिया। एक अचानक ऐसा संयोग रह गया जिससे उसने, किसने देख लिया बच्चों, मधुमक्खी ने किसको देखा, शिकारी को। वह शिकारी किसको मारना चाहता था, उस फाख्ता को मारना चाहता था। वह शिकारी के पास उड़कर गई और उसकी बाह पर यानी कि उसके हाथ पर डंक मार दिया और शिकारी का निशाना चूक गया। फाख्ता उड़ गई। उसे पता चल गया कि मुझे कोई मारने आया। फाख्ता ने मधुमक्खी को समय पर की गई सहायता के लिए धन्यवाद दिया। किसने, फाख्ता, मधुमक्खी को समय पर की गई सहायता के लिए, क्योंकि एक ही दिन मधुमक्खी की भी जान बचाई थी ना फाख्ता ने, तो आज उसकी जान कौन बचा रहा है, आज उसकी जान बचा रही है वो फाख्ता मधुमक्खी। मधुमक्खी ने जाके शिकारी के हाथ पे डंक मार दिया, उसका निशाना चूक गया और वो तो उड़ गई और उसकी जान बच गई। तो वो फाख्ता है जो उसको धन्यवाद दे रही है और कह रही है, और क्या नाम से उसको कह रही कि आप, तुमने मेरी जान बचाई इसलिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ। हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है, कर भला तो हो भला। सभी बच्चे इसे अपनी
नोटबुक में राइट करेंगे, वो भी समझकर और अपनी लैंग्वेज में, याद करना है फिर लिखना है, ठीक है। चलिए अगली कहानी है अपनी छिपा खजाना। छिपा खजाना। किसी गांव में एक किसान था। कौन था बच्चों? एक किसान था, उसके चार पुत्र थे। सभी के सभी आलसी थे। आलसी से मतलब काम चोर थे, सब आलस करते थे, किसी को भी काम करना अच्छा नहीं लगता था। उसने अपने पुत्रों को परिश्रम करने की सलाह दी। उसने क्या कहा? अपने पुत्रों से कहा, किसान ने कहा कि जाओ परिश्रम करो कुछ। आलसी पुत्रों ने उसकी सलाह की कोई परवाह नहीं की। क्या किया उन्होंने कि हमें कोई मतलब नहीं है। उसके पिता उसे रोज रोज कहते रहते थे, लेकिन वह कोई बात ध्यान से नहीं सुनते थे। एक दिन वह किसान बीमार पड़ गया। कौन बीमार पड़ गया है? किसान बीमार पड़ गया है। उसने अपने पुत्रों को अपने पास बुलाया। किसान ने क्या कहा कि अब मैं तो बीमार पड़ गया हूँ, अब खेत में काम कौन करेगा, कोई काम करने वाला नहीं है। तो उसके पुत्र तो वैसे ही आलसी थे। उसने अपने पुत्रों को अपने पास बुलाया। उसने कहा मेरे खेत में एक अपने खेत उसने कहा मेरे खेतों में एक खजाना छुपा है। एक खुदाई करने पर वह निश्चित रूप से मिलेगा। मेरी मृत्यु के बाद तुम उसे खोद कर निकाल लेना। यह किसने कहा? किसान ने अपने चारों पुत्रों को बुलाकर ये बात कह दी कि खेतों में क्या छुपा हुआ है भाई? खजाना यानी धन छुपा हुआ है बहुत बड़ा, उसे तुम मेरे मरने के बाद उसे खोद कर निकाल लेना। अब वो मेरी मृत्यु के बाद उसे खोद कर निकाल लेना। यह कहकर किसान मर गया। इतनी बात ही कही उसने और वह मर गया। कुछ दिनों बाद चारों पुत्र खेत में गए। उन्होंने सारा खेत खोद डाला, लेकिन उनमें खजाना नहीं था। वे दुखी और निराश हुए। एक वृद्ध किसान मतलब क्या है, बूढ़ा किसान ने वह जो वहां मौजूद था उसने कहा, उन्होंने खेत में बीज बोने की सलाह दी कि अरे भाई अब जब आपने खेत खोद ही दिया है तो इसमें बीज तो बोकर देखिए। उन्होंने वैसा ही किया। खेत बोने पर उन्हें फसल प्राप्त हुई। वे अमीर हो गए और इस प्रकार उन्हें कठिन वह लोग अब कठिन परिश्रम करने लगे और परिश्रम का महत्व भी समझ गए। क्या समझ गए? कि हमारे पिताजी ने हमें क्या कहा था कि अपने खेतों में खजाना छिपाए, वो कोई खजाना नहीं था, अपनी फसल थी, इसे देकर ही हम कितने अमीर हो गए, हमें खजाना मिल गया। बीज बोते ही उनकी फसल तैयार हो गई। फसल तैयार होते ही उन्हें खेती के लिए बाहर जाकर बेच दी और उससे उन्हें बहुत सारा धन मिल गया और वे अब अमीर हो चुके। वे कठिन परिश्रम करने लगे। अब उन्होंने जब एक बार इतना कठिन परिश्रम कर लिया तो उनका आलस्य दूर हो गया है, तो वो परिश्रमी बन गए। श्रम के बिना समृद्धि असंभव है। अगर हम जीवन में श्रम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो हम आलसी बन जाएंगे।